जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल बिग बॉस का फिनाले हुआ और मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के विनर ठहरे। अंकिता लुखांडे की बात करें तो अंकिता फोर्थ पोजीशन पर बिग बॉस के घर से बाहर आईं। अंकिता के बाहर आने के बाद हम सब ने देखा वो काफी ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही थी और शायद वो अपनी इस जर्नी पर ज्यादा खुश नहीं थी। वो जीतना चाहती थी लेकिन वो जीत नहीं पाई। बात करें अंकिता की तो अंकिता ने मीडिया से भी कोई बात नहीं की फिनाले के बाद और वो सीधा अपने घर चली गई। घर जाने के बाद अंजलि अरोड़ा जो कि अंकिता की अच्छी फ्रेंड है वो उनसे मिलने उनके घर पर पहुंची। जी हाँ, अंकिता के अलावा बाकी सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना इंटरव्यू दिया और मीडिया से काफी अच्छे से इंटरेक्शन किया, लेकिन अंकिता किसी भी इंटरेक्शन के बगैर सीधा घर वापस पहुंच गई। अंकिता से मिलने अंजलि आई क्योंकि अंकिता काफी बुरे मूड में थी और उनको कंसोल करने के लिए, उनको फ्रेश अप करने के लिए अंजलि उनसे मिलने आई और उनका मूड बेटर करने आई। अंकिता ने अपनी फ्रेंड अंजलि के साथ पिक्चर शेयर की है और इन पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि अंकिता और अंजलि काफी खुश दिखाई दे रही हैं। अंकिता की बात करें तो अंकिता ने बिग बॉस सीजन जीतने के लिए काफी मेहनत की थी और हम सब के साथ साथ काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अंकिता ही विनर होंगी, लेकिन लास्ट डे पर ऐसा ना हो सका जिसको लेकर अंकिता काफी ज्यादा अपसेट थी। अंकिता जीत तो नहीं पाई लेकिन विकी जैन ने अंकिता के लिए काफी अच्छी पोस्ट लिखी थी और उन्होंने बताया था कि अंकिता ने किस तरह से उन्हें प्राउड किया है, उनकी पूरी फैमिली को प्राउड किया है और वो अंकिता की इस सब पर बहुत ज्यादा खुश है। अंकिता की फ्रेंड अंजलि भी उनसे मिलने आई और उन्हें यही बताने आई कि वो बहुत ज्यादा खुश है और अंकिता ने जितना भी खेल खेला बहुत अच्छा खेला और सभी फैंस उनके इस खेल को देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर भी हुए हैं। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अंकिता को विनर होना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।